आज मैं बना रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी गाजर की बर्फी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी गाजर की बर्फी। इस वीडियो के लास्ट तक देखिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक कीजिए। तो चलिए बर्फी बनाना स्टार्ट करती हूँ। गाजर की बर्फी बनाने के लिए 1/2 kg लाल लाल गाजर ले लिए है। गाजर के इस तरह से छील लेंगे। सारे गाजर इसी तरह से छील लेंगे। सारे गाजर अच्छे से छील लिए है, पानी से अच्छे से धो लेंगे। गाजर को पानी से अच्छे से धो लिए है। गाजर को क्रश करेंगे। इसी तरह से सारे गाजर क्रश कर लेंगे। सारे गाजर अच्छे से क्रश कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिए, चूल्हे की जला लेंगे। फ्राई पैन के गरम होने देंगे। फ्राई पैन गरम हो गई है। देसी घी ले लिए है, 1 स्पून घी डाल लेंगे। घी के गरम होने देंगे। घी गरम हो गई है, 2 बड़ी स्पून चना के बेसन ले लिए है, इसमें डाल लेंगे। सारे डाल लेंगे। घी में मिक्स करेंगे। इसे कम आंच पर 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। बेसन अच्छे से भुना जाएगी तो इसमें की अच्छी खुशबू आने लगेगी। 3 मिनट हो गई है, इसे अच्छे से भून लिया है। ये ब्राउन कलर हो गई है, इसे निकाल लेंगे। सारे निकाल लेंगे। फिर से वापस फ्राई पैन ले लिए है। ये क्रश किए हुए गाजर है, बिना घी तेल के इसे पकाएंगे। इसमें डाल लेंगे, सारे इसमें डाल लेंगे। गैस की कर देंगे तेज। इसे पलटा से चला चला के इसे पकाएंगे। जब हम गाजर पकाएंगे, बड़ी बर्तन खुली बर्तन यूज करेंगे। बड़ी बर्तन में जल्दी पानी सूख जाएगी, गाजर अच्छे से पक जाएगी। देखिए गाजर की पानी अच्छे से सूख गई है। ये देसी घी है, गाजर में 2 स्पून घी डालेंगे। घी को गाजर के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिए हैं। घी के साथ गाजर को थोड़ी देर पकाएंगे। घी के साथ गाजर को 2 मिनट पका लिए हैं। 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिए है, इसे अच्छे से उबाल लिए हैं। इसमें 1 स्पून दूध डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे। सारे दूध एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे। गाजर को दूध के साथ पकाएंगे, फिर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे, दूध को जलाएंगे, गाजर को पकाएंगे। इसी तरह सारे दूध डालते रहेंगे, इसे मिलाते रहेंगे। सारे दूध डाल लेंगे। सारे दूध डाल लिए हैं। तेज आंच पर चला चला कर दूध के जला लेंगे। गाजर को अच्छे से पका लेंगे। ये थोड़ी सी केसर है, केसर डालने से कलर भी आ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगी। इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। जब गाजर अच्छे से पक जाए, फिर इसमें चीनी डालेंगे। 1 कटोरी चीनी ले लिए है, आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें डाल लेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी अच्छे से मिक्स कर लिए है। गाजर को चीनी के साथ 1 मिनट पकाएंगे। 1 मिनट चीनी के साथ पका लिए है। ये फ्राई की हुई चना के बेसन है, डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। बेसन अच्छे से मिक्स कर लिए है। इसे बेसन के साथ थोड़ी देर और पकाएंगे। जब गाजर अच्छे से पक जाए, उसके ऊपर 1 स्पून घी डालेंगे। घी डालने से शाइनिंग आ जाती है। इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। 2 स्पून खरबूजा के बीज है, इसे पहले से ही फ्राई किए हुए हैं, इसमें डाल लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर है, मावा तैयार है, इसमें डाल लेंगे। इसे करेंगे मिक्स। मिक्स कर लिए, गैस के कर देंगे बंद। इसे नीचे उतार देंगे। नीचे उतार लिए है, ट्रे ले लिए है, इसमें घी लगा लेंगे। अच्छे से लगा लेंगे।
घी चारों तरफ अच्छे से लगा लिए हैं। मावा इसमें डाल लेंगे, सारे डाल लेंगे। सारे मावा डाल लिए, स्पून से इसे फैला लेंगे इस तरह से। मावा को अच्छे से फैला लिए हैं। ये काजू ले लिए, इसे क्रश कर लेंगे, चारों तरफ क्रश कर लेंगे। 5 पीस काजू इसमें क्रश कर लिए हैं। पिस्ता की बारीकी से काट लिए हैं। मावा के ऊपर पिस्ता लगा लेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे। पिस्ता लगा लिए हैं। स्पून से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे। स्पून से इसे अच्छे से प्रेस कर लिए है। इसे 4 घंटे के लिए खुले में सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो फ्रिज में आधा घंटा में सेट कर सकते हैं। 4 घंटा हो गई है, बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। चाकू से बर्फी साइज बाय साइज कट करेंगे। हम ट्रे में बर्फी जमा है, ट्रे नहीं होगा तो प्लेट में भी बर्फी जमा सकते हैं। इस साइज से कट करनी है, अब इस साइज से कट करेंगे। गाजर की बर्फी बनके रेडी हो चुकी है। घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम मिलते हैं दूसरे रेसिपी में, जब तक अपना और अपनों के ख्याल रखें। नमस्कार।